हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ चल रही हूँ ल्हासा मार्केट पटना में। इस बार ल्हासा मार्केट पटना के कैंपस में पहली बार बहुत सारे दुकान और बाज़ार देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कोलकाता बाज़ार, पालिका बाज़ार, और इधर है बॉम्बे बाज़ार है, थोड़ा सा आगे चलने पर कश्मीरी बाज़ार भी है, और फेंगशुई की दुकान है, और हैंडीक्राफ्ट की दुकान भी है। तो ये कैंपस है ल्हासा मार्केट का, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ इस बार देखने को मिल रहा है। आप इसमें से जाकर आप घरेलू सामान भी ले सकते हैं और खाने पीने के सामान भी इस बार मिल रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं एक हैंडीक्राफ्ट की दुकान में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर काठ की बनी हुई सभी चीज़ें हैं। यहाँ पर स्टैंड है, बहुत ही खूबसूरत सा देखिए दिख रहा है। ये भी काठ की बनी हुई है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ पर छोटा सा तोप है रखा हुआ जो भी बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और हम लोग अब यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर मछिया भी है, ये भी काठ का है, ये गुलदस्ता है, ये भी काठ का बना हुआ है, और ऊपर में दीवार घड़ी है, आईना है, ये सभी काठ का है। दीवार घड़ी का जो फ्रेम है वो भी काठ का है, और आईना का जो फ्रेम है वो भी काठ का है, जो कि काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत सी नक्काशी इसमें की गई है, और इसके डिज़ाइंस भी बहुत ही अच्छे हैं। और हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर खेलने की चीज़ है, एक योयो, वो भी काठ की ही बनी हुई ये है योयो। ऐसे ये गांव के मेला वगैरह में आता है तो ये कागज़ का बना रहता है, बट यहाँ पर लकड़ी का ही बना हुआ है। और ये सभी घड़ी वगैरह भी बहुत अच्छी लग रही हैं। यहाँ पर एक्यूप्रेशर का इक्विपमेंट है काठ का बना हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा है, और बर्तन वगैरह भी है जो कि लकड़ी की ही बनी हुई है। चम्मच, कटोरी, प्लेट, ट्रे, ये सभी कुछ लकड़ी की ही बनी हुई यहाँ पर मिल रही है। और भी घरेलू सामान है, जैसे कि चूड़ी स्टैंड है, बैंगल स्टैंड जिसको बोलते हैं, और कटोरा वगैरह भी है, छोटे छोटे काठ के डब्बे हैं कुछ कुछ रखने के लिए, वो सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है। सब कुछ, जितना भी चीज़ है, सब कुछ लकड़ी का ही बना हुआ है यहाँ पर, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप पटना में हैं और आप हमारी वीडियो को अगर आप अभी देख पा रहे हैं तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर जाके देख लीजिएगा कि कितना खूबसूरत है। और उसके बगल में एक शॉप है, वहाँ पर हर एक माल लगा हुआ है, 25 रुपये हर एक माल, यानी कि कोई भी एक चीज़ लेने पर आपको 25 रुपया देना होगा, यानी 25 रुपये का हर एक चीज़ मिल रहा है, जैसे कि ट्रे है, कटोरी है, चाय छन्ना है, यहाँ पर टिफ़िन है, पेंसिल बॉक्स है बच्चों के लिए, अगरबत्ती स्टैंड है, ये सभी यहाँ पर 25 रुपये में ही मिल रहे हैं, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, कलरफुल हैं, सब कुछ तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर औरतों की काफ़ी भीड़ थी और सभी अपने घरेलू सामान को ले रहे थे। यहाँ पर मैं भी कुछ कुछ देख रही थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये टिफ़िन वगैरह भी है, ये भी 25 रुपया का ही है, और इसके जस्ट बगल में यानी कि राइट हैंड साइड में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप है। यहाँ पर बैंगल्स वगैरह हैं, सेट लगे हुए, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। लहठी है और बैंगल है, दो यानी कि एक पेयर का भी बैंगल यहाँ पर मिल रहा था, और चूड़ी का सेट है, लहठी है, नेकलेस है, ईयरिंग्स वगैरह हैं जो कि काफ़ी मुझे खूबसूरत लगे हैं। और आगे में ये सब देख रहे हैं कि बैंगल्स हैं, और उधर दीवार वाले रैक पर रखा हुआ है चूड़ी वगैरह, वो भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। ये जो सेट है चूड़ी का, ये 250 का सेट था, और इसमें धागा की काम की हुई है और उसके ऊपर से नग वगैरह लगा हुआ था। और उसके बाद मैं देख रही थी कि अधिकतर चूड़ियाँ मेटल की ही थी, कांच की बहुत कम चूड़ियाँ थी, और बाकी लहठी टाइप के चीज़ का बना हुआ था सब कुछ, तो अच्छा लग रहा था। और ऊपर में जितनी भी चूड़ियाँ वगैरह लटकी हुई हैं, ये सब इन सब में लटकन वगैरह भी हैं, ऊपर में जो इन्होंने हैंग करके रखा है इसमें लटकन वगैरह लगा हुआ है, जिसके चलते ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था देखने में।
ये सब तो मल्टी कलर का है, तो ये तो और भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर हार वगैरह भी लटका हुआ है, तो ये भी अच्छा लग रहा था। और ये सब चूड़ियाँ हैं, इसके ऊपर में ये इयररिंग्स वगैरह हैं, मांग टीका वगैरह है, तो काफ़ी खूब बहुत ही सुंदर लग रहा था, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। ये रिंग है, ये भी आर्टिफिशियल रिंग है। और यहाँ पर सिटी गोल्ड का भी कुछ ज्वेलरी था, जो कि इन्होंने कहा था, यहाँ पर जो शॉपकीपर थे उन्होंने कहा कि ये पहनने के बाद 6 महीने तक अगर पानी भी लगता है, पानी पसीने या कुछ भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने के बाद आप कहीं भी किसी भी सिटी गोल्ड वाले शॉप में जाकर कार्ड दिखा के आप उसे चेंज कर सकते हैं, तो कुछ पैसा लगेगा और चेंज हो जाएगा, ऐसे इन्होंने कहा था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पर भी लड़कियाँ थी लेने के लिए ये सब चीज़, और औरतें भी थी, वो लोग ले रही थी। मैं यहाँ पर इयररिंग्स वगैरह भी देख रही थी, मैं तो पहनती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था सारा इयररिंग्स वगैरह। एक से एक इयररिंग्स था, एक से एक कलर में, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ भी ऊपर में इयररिंग्स वगैरह हैंग किया हुआ है, यहाँ पर हार वगैरह भी है, और काफ़ी कुछ है यहाँ पर, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। तो अगर आप पटना जाने वाले हैं तो आप ज़रूर जाइएगा ल्हासा मार्केट के कैंपस में, आपको बहुत कुछ इस पर मिल जाएगा। हर साल तो ऐसा नहीं रहता था, लेकिन हाँ इस साल आपको वहाँ पर बहुत कुछ मिल जाएगा, एक ही जगह में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और ये फिर मैं चूड़ी वगैरह के छोटे छोटे क्लिप मैं ले रही हूँ। हाँ, इसके बगल में जूसर की भी दुकान थी, जहाँ पर बहुत सारे जूसर थे, हर एक तरह के जूसर थे। ये किचन सेंटर है, तो यहाँ पर करेले का जूस निकालने के लिए अलग सा जूसर था, आलू का जूस निकालने के लिए अलग सा जूसर था यहाँ पर। अब मैं आ गई हूँ सॉक्स के दुकान में, तो यहाँ पर सॉक्स भी है, लड़कियों के लिए सॉक्स है और लड़कों के लिए भी सॉक्स है, ये लेडीज सॉक्स है, ये 3 का पेयर था, और लड़कों का जो सॉक्स था वो भी 3 का ही पेयर था। मैं जो भी शॉप था नज़दीक में वहाँ तो गई थी, और मैंने वहाँ से छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं। ये भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप है, यहाँ पर भी देखिए नीचे में क्लचर वगैरह है, और ऊपर में इयर रिंग्स हैं हैंग किए हुए, और चेन वगैरह हैं गले के हैंग किए हुए। ये भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर क्लिप ले लिया था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अब ये रहा पर्स का दुकान, तो यहाँ पर पर्स वगैरह भी मिल रहा था, जो कि मुझे अच्छा लगा, क्लच भी था पर्स भी था। तो चलिए ठीक है, जिसको जो चाहिए यहाँ पर इस बार मिल जाएगा। आप अगर ल्हासा मार्केट में आ रहे हैं ऊनी कपड़े की शॉपिंग करने के लिए, तो हाँ अगर आपको ये सब मिल जाए और पसंद आ जाए, तो आप इसे भी ले सकते हैं, आपको एक ही जगह में इस बार बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। और एक और है ये ज्वेलरी की शॉप, यहाँ पर भी बहुत कुछ है, बाल में लगाने के लिए बैंड है, क्लचर है, चेन है, मंगलसूत्र वगैरह भी है यहाँ पर टंगा हुआ, और इयर रिंग्स वगैरह भी है, एक से एक खूबसूरत सा झुमका वगैरह है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, गोल्डन है, सिल्वर कलर में है, तो सब कुछ काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने इसे रखा है, जो कि बहुत अच्छा है। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको एक ही जगह में इस पर बहुत कुछ मिल जाएगा देखने को। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ देखिए, अब हम लोग आ गए हैं चश्मा के शॉप पर, यहाँ पर चश्मा मिल रहा है, और हाँ घड़ी भी मिल रहा है तरह तरह का। अब हम लोग आए हैं एक ऐसे शॉप पर जहाँ की सिर्फ नेल पॉलिश था और लिपस्टिक मिल रहा था, तो मैंने इस नेल पॉलिश के प्राइस पूछे थे, तो इसका प्राइस था 50 रुपीज़, और इधर लिपस्टिक वगैरह भी रखा हुआ था साइड में, तो हमने बस देखा ऐसे ही। हाँ, ये मेकअप ब्रश भी था यहाँ पर, मेकअप ब्रश बहुत सस्ते में था, 120 रुपीज़ में ही था मेकअप ब्रश। हमने ऑनलाइन मंगवाया था, तो मुझे तो 350 रुपये में मिला था,
लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि सेम वही चीज़ था और यहाँ पर 120 में ही मिल जा रहा था। तो चलिए ठीक है, अगर आपको लेना हो तो आप यहाँ पर सिल ले सकते हैं आके। अब ये आ गया, यहाँ पर कपड़ा का भी शॉप था, तो यहाँ पर मैं ट्राउज़र वगैरह भी देख रही थी बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। हाँ, इधर कश्मीरी बाज़ार भी है, तो कश्मीरी बाज़ार का भी मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया था। और इसके बाद हम लोग चलेंगे ल्हासा मार्केट में। तो अब हम लोग इन कर गए हैं ल्हासा मार्केट में। यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है तिब्बती शरणार्थी ल्हासा बाज़ार। अब हम लोग ल्हासा मार्केट में इन कर गए हैं। ल्हासा मार्केट के दोनों साइड में शॉप लगी हुई है गर्म कपड़ों की। ये गर्म कपड़ों की बहुत ही फेमस मार्केट है। यहाँ पर आपको तरह तरह के कपड़े मिल जाएंगे, ऊनी कपड़े, बच्चों के लिए भी काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन के कपड़े मिल जाएंगे, और लेडीज़ के लिए भी, जेंट्स के लिए भी जैकेट्स वगैरह, स्वेटर्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर स्टॉल वगैरह भी काफ़ी खूबसूरत मिलता है। और हाँ, हमने यहाँ पर से जो जो भी शॉपिंग की है उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो अगर हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे इस वीडियो में एक लाइक भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करना नहीं भूलिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं घूम पाई थी ल्हासा मार्केट में क्योंकि मैं उधर ही जो भी घूमी थी तो मैं थक गई थी बहुत, इसलिए मैंने जो भी छोटे मोटे क्लिप बनाए हैं मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। और आपको मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या परचेज़ किया है, तो आप देख लीजिए। अब हम लोग रिटर्निंग टाइम हम लोग गए थे कोलकाता बाज़ार। ये कोलकाता बाज़ार में शुरुआत जो हुआ था, यहाँ पर अचार रखा हुआ है तरह तरह का, हर एक चीज़ का अचार है, बेर का अचार है, ड्राई फ्रूट्स का अचार है, मुरब्बा वगैरह भी था, और ये सब